सो फाइनली गाइस, आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका रिजल्ट काफी अच्छा आया है और उनके पेरेंट्स को भी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया के हम बात करें तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा, और कुछ एक ऐसे भी होंगे जिनका खराब आया, जिनको री आ गई, अपार्टमेंट आ गया या फेल भी हो गई। तो ये वीडियो हर एक पेरेंट्स के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनका रिजल्ट खराब आया है या जो फेल हुए हैं। तो मैं उनके पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि अभी आपको अपने बच्चों को इतना डांटना नहीं है, उनको समझाना है कि आपसे गलती हुई है, इस गलती से सीखिए, और आगे इस गलती से सीखकर आगे अगर आप अच्छे से करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो उनको हर टाइम कोसना नहीं है, क्योंकि बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है और इंडिया में इतने ज्यादा स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं सिर्फ इस डिप्रेशन की वजह से। तो हमें इस टाइम यानी कि एटलीस्ट पेरेंट्स को तो बच्चे को मोटिवेट करना है, उनको समझाना है, क्योंकि बच्चा है जैसे उसके फ्रेंड्स भी टोंट मारते हैं, हो गया फेल हो गया फेल। जो रिश्तेदार हैं जो कभी हाल चाल भी नहीं पूछते, लेकिन उनका कॉल आएगा रिजल्ट पूछने के लिए, भाई बेटा कितने आए कितने आए, तो वो भी इतने टोंट मारेंगे, भाई हमारे वाले के तो इतने ज्यादा आए, हमारे वाला तो पढ़ता ही नहीं है, निकम्मा है, कुछ करता ही नहीं है। तो पेरेंट्स को भी फील होता है, और फिर पेरेंट्स बच्चे को ज्यादा डांटते हैं। तो ये चीज ना करें, अप्रिशिएट करें, भाई हर स्टूडेंट इक्वल नहीं है, हर एक इंसान इक्वल नहीं है, किसी को ज्यादा, कोई किसी ज्यादा फील्ड में अच्छा होता है, कोई किसी और फील्ड में अच्छा होता है। तो ये मार्क्स जज नहीं कर सकते बच्चे का फ्यूचर। तो जिनका रिजल्ट खराब आया है उनको समझाइए कि आपको सीखना है, जो गलती आपने की है उसको दोबारा से रिपीट ना करें, और 1-2 महीने की तैयारी करके वो बच्चा पास हो सकता है। अब दूसरा केस आता है जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा आता है, वो बच्चे क्या होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, जिन बच्चों के 95-98% मार्क्स आते हैं, लेकिन आगे उनका नाम हमें कहीं सुनने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनको इतना ज्यादा अप्रिसिएशन मिल जाता है हर जगह से, पेरेंट्स भी रिश्तेदार भी, कितना अच्छा बच्चा है, इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, ये और वो, तो वो सीखना छोड़ देता है। और जब कोई भी इंसान चीजों को सीखना छोड़ दे तो उसकी ग्रोथ नहीं होती, और अगर ग्रोथ नहीं होती तो सक्सेस नहीं मिलती। तो ये नहीं है कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया है तो आपको सक्सेस मिलेगी, या आपका रिजल्ट खराब आया है तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आप अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, जितने भी बिलियनर्स वगैरह हैं उनकी स्कूलिंग इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन उन्होंने एक चीज को फॉलो किया और उसी के ऊपर काम किया, और वो उसमें इतने ज्यादा परफेक्ट हो गए कि उनको कोई बीट नहीं कर सकता, और वो सक्सेसफुल इंसान है। तो हमें करना क्या है, जो आपके मार्क्स अच्छे आए बुरे आए, हमें आगे जाकर लाइफ में फोकस करना है। जैसे 12th वाले बच्चे हैं तो अपनी एक चीज सिलेक्ट कर लीजिए, ये नहीं कि 2 साल ये कर लिया, 2 साल ये कर लिया, 2 साल ये कर लिया, ना। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, उनकी तैयारी करनी है, तो उसके लिए मेहनत कीजिए। अगर आप किसी और चीज में अच्छे हैं, डांस में, म्यूजिक में, या किसी एक्टिंग में, किसी भी चीज में आप अच्छे हो सकते हो, तो उसको पहचानिए। सबसे पहले अपने आप से बात कीजिए कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, फिर उसके ऊपर मेहनत कीजिए। ये नहीं कि आज इधर आज उधर, आज इधर आज उधर, नहीं, एक डायरेक्शन में चलिए, 1 साल 2 साल 3 साल, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी हो, चाहे कितनी बड़े से बड़ा काम हो, अगर आप एक डायरेक्शन में चलते रहोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, और जरूर मिलेगी, और बहुत ज्यादा मिलेगी, इतने लेवल की मिलेगी कि आप ये सोचोगे क्या मैं इतना बड़ा इंसान बन गया। तो वही, आपको बस एक चीज को फॉलो करते चलना है और उसी चीज के पीछे लगे रहो, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, एक चीज के पीछे लग जाओ, हाँ भाई मुझे ये करना है तो करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। दूसरी बात, जो 10th वाले स्टूडेंट हैं, अब 10th वाले स्टूडेंट बहुत सारे क्या होंगे भाई, ऐसा माना जाता है कि साइंस वाले स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द जो पेरेंट्स वो क्या कहते हैं, बेटा साइंस ले ले, बेटा साइंस ले ले, बेटा साइंस ले ले, क्योंकि वो प्राउड फील करते हैं कि साइंस वाला स्टूडेंट है। ये मेंटेलिटी है हमारे इंडिया की, अगर साइंस वाला स्टूडेंट है तो वो इंटेलिजेंट होगा, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पर हो, आपको आगे जाकर क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम को सिलेक्ट कीजिए। आर्ट्स वाले बच्चे भी अच्छे होते हैं, कॉमर्स वाले भी, और साइंस वाले भी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, किसी और के बाहर वाले इंसान की आपको बिल्कुल भी नहीं सुननी है। अब कुछ बच्चे और कुछ पेरेंट्स, बच्चे तो नहीं, पेरेंट्स का ये रहता है कि CBSE की वैल्यू ज्यादा है, HBSE की, अगर हम हरियाणा की बात करें, HBSE की वैल्यू कम है, तो वो उनको CBSE में डाल देते हैं।
अब सीबीएसई में डाल देते हैं तो वो बच्चा मतलब अगर एवरेज है तो वो फेल हो जाता है बाद में, और फिर बच्चे को कोसते रहते हैं निकम्मा है तो कुछ नहीं किया तूने, ये वो ये वो। तो मेरा कहना ये है कि सभी बोर्ड बराबर हैं, सभी की वैल्यू बराबर है, हरियाणा बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। तो अपने बच्चे का पोटेंशियल देखिए सबसे पहले कि वो कितना है। जैसे मेरे पास भी बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, सर रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, या ये चीज़ मतलब जिनका अच्छा आता है वो तो अलग बात, जो बच्चे बिल्कुल मतलब पास लायक भी नहीं है उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि यहाँ अगर ज्वाइन कर लिया तो उनको 90% आ जाएंगे, 95% आ जाएंगे। नहीं, पहले आप अपने बच्चे को देखिए वो 50% है 60% किस मतलब कितने लेवल पर है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को जज कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मतलब पढ़ने में कम है तो उसको हरियाणा बोर्ड दिला दीजिए, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम होता है, फर्क है तो एग्जाम का जो लेवल है क्वेश्चन का पूछने का, सीबीएसई का बहुत ज्यादा होता है, एचबीएसई का बहुत कम होता है। और बाद में अगर बात की जाए तो दोनों की वैल्यू सेम रहती है, चाहे वो बच्चा सीबीएसई का है चाहे एचबीएसई का है। अगर आप कॉलेज में जाओगे कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जाओगे तो दोनों की वैल्यू सेम है। ये मिथ बना रखा है कि सीबीएसई की वैल्यू ज्यादा होती है एचबीएसई की वैल्यू कम होती है, नहीं। अगर आप मतलब इस चीज को ध्यान से देखें तो हर एक बोर्ड की वैल्यू इक्वल होती है, बराबर होती है। तो अपने बच्चे के अकॉर्डिंग ही उसका एडमिशन कराएं। अगर उससे साइंस नहीं चल पा रही तो उसको फोर्स मत करो कि बेटा साइंस लो साइंस लो, ना। अगर वो आर्ट्स कर सकता है तो आर्ट्स में दिला दो, अगर बिल्कुल कम मतलब वीक है तो उसको हरियाणा बोर्ड दिला दो, या अगर उसको कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो उसमें उसको कोचिंग दिलवा दो या कुछ और करा दो। यानी कि उसको समझाओ कि जो चीज़ जिस चीज़ में आप अच्छे हो उसके ऊपर काम करो। अगर बच्चा 11th 12th क्लास से ही अपने पैशन के ऊपर काम करने लग जाता है तो वो उसको सक्सेस 100% मिलती है। तो आपको करना यही है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, ठीक है। और जिनका रिजल्ट खराब आया है अच्छा आया है मैंने हर एक का सॉल्यूशन बता दिया है, आपको करना क्या है सिर्फ मेहनत करनी है, अपने पैशन को पहचानना है। तो उम्मीद है इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आया, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियोस के लिए, चलते हैं, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।